हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 6। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं। 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लेते हैं जो कि स्टैंडर्ड है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या फिर आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, इसके अंदर भी 25 क्वेश्चन है रीजनिंग के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है क्वेश्चन आपको ऊपर डिस्प्ले होगा और ऑप्शन साइड में होंगे। पहले खुद से ट्राई करो, देखो आप क्या मेथड लगा रहे हो और फिर देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। जोन सा इजी हो, शॉर्ट हो, उसको आप फॉलो करो। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड। आपको एक फिगर दे रखा है, ठीक है, फिगर दे रखा है और आपसे कह रहा है कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फिगर क्या दे रखा है। आपको दिख रहा है ऊपर फिगर के अंदर क्या गिवन है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, यहाँ सेमी शेडेड सर्कल है, यहाँ आपका एक स्क्वायर है सेमी शेडेड, एक एरो और यहाँ पे ये आपका, यहाँ पे एक एरो ऐसे है और यहाँ पे नीचे की तरफ। ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर इसको बनाना नहीं है, आपको जैसे ही दे रखा है, ठीक है, आपको बस इमेजिनेशन करके इसको बनाना है। या मिरर वाले में तो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा कि इसकी मिरर इमेज कैसे होगी। इस तरीके से ये सेंटर वाला आपका जो है सेम रहेगा ऐसे का ऐसा, सर्कल भी आपका ऐसा ही रहेगा, ये आपका ये पहले इधर आ जाएगा शेडेड वाला और बिना शेडेड वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो ये वाला फिगर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको ये वाला फिगर मिल जाएगा। ठीक है, आप देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आप अर्थ इज कोडेड एज दिस, तो ऑर्बिट कैसे होगा। ठीक है, मैंने बता रखा है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले इस टाइप के अल्फाबेट वाले क्वेश्चन दिखते ही जो अर्थ है इसके आप क्या कर लो, नंबरिंग कर लो। तो ई की ए, ठीक है, 5, 1, 18, 20 और 8। ठीक है, अब देखो दे क्या रखा है, ये कोड का रखा आपका 8201815। तो इसको और इसको आप ध्यान से देखो, आपको क्या दिख रहा है, बस उल्टा लिखा हुआ है, जो इनकी नंबरिंग है पहले H की फिर ऐसे की हुई है। तो आप सीधा आंसर लिखो, आपको दे रखा है क्या ऑर्बिट, तो सीधा आप पीछे स्टार्ट करो। टी का क्या होगा 20, 9, 2 और इसका क्या होगा 18 और ये आपका 15। देखो 20921815 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, इजी था। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म एंड द सिक्स्थ टर्म इज रिलेटेड टू द फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पे देखो टर्म क्या दे रखी है, जैसे 72 और 14 रिलेटेड है, ऐसे ही जैसे 96 और 54 रिलेटेड है, ऐसे ही आपको बताना है कि 87 किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 14, 72, 54, 96, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आपका नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप, ये डिजिट और ये डिजिट इनका मैं प्रोडक्ट कर दूँ, 7 2 14, 6 9 54, ऐसे ही 7 8 56। अगर 56 ऑप्शन में दे रखा है तो आप आंख बंद करके लगा दो, गलत नहीं होगा। तो 56 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे रखा है। अब नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि आपको एक सेलेक्ट द ऑप्शन डेट डिपिक्ट्स हाउ द गिवन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ पेपर वुड अपीयर इफ इट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। तो पहले तो देखो जो डॉटेड लाइन है उस पर क्या बन रही है, सिमेट्री बन रही है। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो ये आपको फिगर दे रखा है कुछ इस तरीके का, ये डॉटेड लाइन है, यहाँ पे ये वाला आपका शेडेड रीजन है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, मिरर इमेज है, तो आप इसको फोल्ड करोगे ना तो ये ओवरलैप करेंगे। ठीक है, इसीलिए आप अगर इसको हटा दोगे तो यही आपका क्या बनेगा, जब इसको फोल्ड कर दोगे तो आप देखो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है,
तो रीजनिंग खेल ही किसका है, कॉमन सेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो आपको एक फिगर दे रखा है, ठीक है, दोबारा से बना लेते हैं हम, क्योंकि फिगर आपको शो हो रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे बनाना पड़ेगा समझाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का फिगर आपको गिवन है। ये फिगर आपको गिवन है, पूछ रहा है कितने रेक्टेंगल हैं। तो आपको अगर ट्रिक नहीं पता, जैसे क्या होता है, हम पूरे कॉम्प्लेक्स फिगर में ट्रिक नहीं लगा सकते, लेकिन उसके एक पार्ट में तो लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये पता होगा कि अगर हम इसमें दो लाइंस मैंने लगा दी तो कितने, 1 2 3, तो 3 + 2 + 1 इतने क्या हो जाएंगे, रेक्टेंगल्स। तो सबसे पहले आप सबसे बड़े वाला फिगर देखो जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये देखो, ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 + 3 + 2 + 1, तो आपके 10 तो यही हो गए, 10 इसके अंदर हो गए। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका 1 2 3, ठीक है, 3 है तो 3 + 2 + 1 कितने हो गए, 6। लेकिन यहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा, -1। अब कहोगे -1 क्यों किया, क्योंकि ये वाला जो आपका रेक्टेंगल है ये आप दोनों में काउंट कर रहे हो, इसमें भी, लेकिन हमें काउंट एक ही बार करना है। अब इसके अलावा देखो, इन दो के अलावा क्या बच गए, एक तो आपका ये वाला फिगर बच गया, ठीक है, और उसके अलावा एक ही आपका ये कंप्लीट बच गया। तो दो और हैं, 15 + 2 कितने हो गए आपके, 17। तो देखा, अगर आप एक एक करके गिनोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन ट्रिक को आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, इसके कुछ पार्ट्स में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मैंने बता रखा है कि वेन डायग्राम दिखते ही सीधा क्वेश्चन पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो ही मत। तो यहाँ पे आप देखो, पूछ रहा हाउ मेनी पीपल आर मैरिड बट आर नॉट इंजीनियर्स। अब क्वेश्चन में देखो, कह रहा है इंजीनियर्स है रेक्टेंगल वाले, रेक्टेंगल पूरा छोड़ दो। उसके बाद कह रहा है मैरिड है आपके ट्राइंगल वाले। तो देखो, ऐसा कौन सा पार्ट है, ठीक है, जो आपके ट्राइंगल रेक्टेंगल से बाहर है और ट्राइंगल के अंदर है। तो आपके दो पार्ट दिखेंगे आपको डायग्राम के अंदर, एक 13 एक 16, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या होगा, 29। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, फिर आप वेन डायग्राम पहले पढ़ चुके होगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप वेन डायग्राम दोबारा पढ़ोगे। वो टाइम बचाने के लिए पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर वेन डायग्राम पढ़ो, आंसर पढ़ते पढ़ते ही आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन कोड लैंग्वेज, जुपिटर को कोड किया गया है, तो आपको क्या करना है, सीधा आप पहले देखो जुपिटर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको कोड कर रखा है JVOJSFR, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट पैटर्न दिख जाता है तो वेल एंड गुड, टाइम बचेगा, वरना आपको क्लिक नहीं करता तो आप इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब जो इनके नंबर हैं वो लिख सकते हो। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो 10, ठीक है, U का आपका 21 16 9 20 15 और 18, यहाँ पे आपका 10 22 15 10, उसके बाद 19 6 और 18। अब यहाँ पे आपको अब तो पैटर्न दिख ही जाएगा, ठीक है, क्या है पैटर्न देखो, फर्स्ट लेटर आपका सेम है और लास्ट लेटर भी क्या है, सेम है, ठीक है। यहाँ पे 21 22 16 15, मतलब +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है, आपका इस तरीके से जो है पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, अब आपको करना किसका है, आपको करना है नेपच्यून का। तो फर्स्ट और लास्ट लेटर जो आपका क्या रहेगा, सेम। अब ई में +1 करोगे आपका एफ, पी में -1 करोगे ओ, ठीक है, टी में +1 करोगे तो टी के बाद क्या आता है आपका यू, ठीक है, उसके बाद यू में से -1 करोगे तो आपका टी, और एन में जो है आप +1 वो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं, एस एफ आर, तो आप कर रहे हो जुपिटर का, यहाँ पे ई आएगा भाई, ठीक है, ई का क्या होता है आपका 5, और यहाँ पे आपका +1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने किया +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है, तो एन आपका कितना है 14, तो इसमें +1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका ओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एन एफ ओ यू टी ओ ई, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर, ठीक है। तो आपको आराम से करना है, ऐसे गलती नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रोडक्ट वॉज मार्क्ड फॉर सेल विद अ लेबल प्राइस विच इज एज 20% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। एट द टाइम ऑफ सेल द शॉपकीपर गेव एन एडिशनल 10% डिस्काउंट ऑन द लेबल प्राइस। इफ अ कस्टमर बोट द प्रोडक्ट एट 468 देन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज। ठीक है, यहाँ पे आपसे सीधा सीधा मैथ का क्वेश्चन पूछ लिया है रीजनिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करोगे आप, सबसे पहले समझो आप क्या कह रहा है। वो कह रहा है क्वेश्चन की अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप क्या एक लेबल प्राइस लगा हुआ था, आप देखते हो बड़े बड़े मॉल में जाते हो, कहीं भी जाते हो, वहां आपका एक प्राइस लिखा रहता है। ठीक है, कि हमारी तरफ से आपको ये इतने में मिलेगा, एक लेबल लगा रहता है MRP काट के और इतना। ठीक है, तो वो लेबल प्राइस आपको कह रहा है कि वो 20% डिस्काउंट पे प्रिंटेड से, लेकिन फाइनली उसको 10% जो लेबल था उस पर भी 10% दे दिया। ठीक है, और फाइनली उसको कितने का पड़ा, 468 का। यहां से ये लगाओ, देखो समझो, अगर 100 था आपका क्या लेबल प्राइस, तो उसने दिया कितना 10% डिस्काउंट पे, मतलब 90 रुपीज का उसको दे दिया, लेकिन वो एक्चुअल में कितना था। ठीक है, सबसे पहले तो 90 की वैल्यू दे रखी है 468, तो यहाँ से आप 100 की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो ये कितने पे जा रहा है आपका, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 5 48 और 2 52 पे। ठीक है, मतलब 5.2 पे अगर 90 से करोगे तो इससे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया, 520। मतलब 520 उस आर्टिकल का लेबल प्राइस था, लेकिन आपसे प्रिंटेड पूछा है और कह रहा है कि ये कितना है, उससे 20% कम है। मतलब अगर प्रिंटेड प्राइस 100 था तो आपका लेबल प्राइस कितना है, 20 कम है उससे, तो कितना हो जाएगा, 80। तो यहाँ पे 80 की वैल्यू आपको गिवन है 520, तो कितने से जा रहा है आपका, 8 5 40, ये आपका कितने पे जाएगा, ये जाएगा भाई आपका 6.5 पे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो गया 650, तो आंसर आ गया 650। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप एक्स लेके भी कर सकते हो, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, रिलेशन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको सीधा क्वेश्चन को पढ़ते हुए जाना है। सबसे पहले P प्लस R, प्लस का मतलब क्या है, P इज द वाइफ ऑफ R, तो P इज द वाइफ ऑफ R, तो ये माइनस ये प्लस। नेक्स्ट में कह रहा R क्रॉस T, मतलब T इज द ब्रदर ऑफ R, तो आपका T ब्रदर है R का। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है टी माइनस क्यू, मतलब क्यू इज द डॉटर ऑफ टी, तो टी की डॉटर है कौन, क्यू। उसके बाद आपसे कह रहा है कि क्यू इज द वाइफ ऑफ एस, क्यू वाइफ है एस की। उसके बाद आपसे कह रहा है कि एस इज द फादर ऑफ यू, एस इज द फादर ऑफ यू। ठीक है, ये आपसे बोला गया है रिलेशन के अंदर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है पी रिलेटेड टू मदर ऑफ यू, तो यू की मदर कौन है, क्यू, तो आपसे क्यू और पी के अंदर रिलेशन पूछ रहा है। तो यहां पे देखो, ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाएगी, सबसे पहले एक जनरेशन का गैप है, ये फीमेल है, तो आपकी रिलेशन क्या हो जाएगी, अंट, अगर डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है इंग्लिश के अंदर, सबको आपका चाचा या वगैरह, मतलब चाची, ये सारे इनको क्या बोलते हैं, अंट और अंकल, इसी रिलेशन से दिया जाता है इनको, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, आपसे पीछे ब्रैकेट में दे रखा है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो सबसे पहले आपको देखो कौन कौन सी स्टेट्स गिवन है, तो आपको पता है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, यूपी की, तो पहले पे क्या आ गया, 4, सबसे ज्यादा किसकी है, यूपी की। उसके बाद नेक्स्ट किसकी होगी, यूपी के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है तो MP। ठीक है, आप एरिया वाइज भी देख सकते हो पॉपुलेशन डेंसिटी, तो यहाँ पे देखो MP, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, यहाँ पे ऑप्शन बच गए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, तो किसकी आएगी, आंध्र प्रदेश की, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश की, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री स्टेट है तो वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, कम है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड।
नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑप्शन वर्ड विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज डेट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। तो आपको पेयर गिवन है कि डेंटिस्ट इज टू डॉक्टर, तो डेंटिस्ट कौन सी कैटेगरी में आते हैं, प्रोफेशन क्या होता है, डॉक्टर। ऑप्शन देखो, लाइन सर्कल नो मैच, एलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों अलग अलग चीजें हैं, केमिस्ट्री साइंस, तो केमिस्ट्री साइंस के अंदर आती है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। आपको एक इक्वेशन गिवन है, 1:1 प्लस 11 माइनस 42 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 83। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मैंने कहा है कि कुछ एक बार इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे गिवन है 6 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या ये डेसिमल नंबर आएगा, और डेसिमल यहाँ पे कोई ऐसी चीज ऑपरेशन नहीं लग रहा जिससे डेसिमल खत्म हो, लेकिन रिजल्ट में डेसिमल नहीं है, इसका मतलब डिवाइड तो पक्का चेंज होगा। तो अब देखो, एक ऑप्शन तो आपका वैसे ही हट गया, तो अब डिवाइड वाला देखो किससे चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो डिवाइड वाला किससे चेंज कर सकते हो, अगर डिवाइड ये कह रहा है डिवाइड माइनस, तो डिवाइड यहाँ आ जाए तो ये भी डेसिमल नंबर है, डिवाइड और प्लस तो यहाँ डिवाइड आ जाए, तो हो सकता है आपका आंसर क्या हो, सही हो जाए, ठीक है। तो और उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो ये भी हो सकता है, तो दोनों को आप जो है चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे 1:1 किसको कह रहा है, डिवाइड और प्लस, तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड 11 माइनस 42 इंटू 6 प्लस 7, तो इसको सोल्व करोगे तो 11 11 माइनस, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये माइनस वाली टर्म बड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये माइनस में आंसर आएगा जो कि नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया, एक ही बचा है वही आंसर होगा। उसके अलावा आप सोल्व करके भी देख सकते हो, तो क्या करना हमें, यहाँ पे प्लस, उसके बाद यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये दोनों चेंज होंगे, यहाँ पे आपका डिवाइड, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 777749, इन दोनों को ऐड करोगे हो जाएगा आपका 132, तो 132 माइनस 49 आपका 83, तो यही आंसर है सी ऑप्शन, ये दो साइन चेंज करोगे तो आपका आंसर, ये इक्वेशन जो है वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, और इसमें रोटेशन अलाउड नहीं होती है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाता है ये लिखते ही कि रोटेशन अलाउड नहीं है। तो देखो आप, ठीक है, सबसे पहले मुझे फर्स्ट में ही दिखाई दे रहा, फर्स्ट फिगर में आप ये देखो कुछ इस तरीके का जो है बना हुआ है यहाँ पे, ये फिगर आपको गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपसे ऊपर क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ पे आपको गिवन है, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा, ये ही आपसे पूछा है, तो ये रहा यहाँ पे, अगर आपको नहीं दिखा तो देख सकते हो, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है और आपको मिल जाएगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द फिगर डेट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो आपसे एक फिगर वाली सीरीज दे रखी है और कह रहा है कि किसमें, तो आप देखो सबसे पहले आप एक एक को भी देख सकते हो फिगर को, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये दे रखा है, अगले फिगर में देखोगे तो ये आपका 90 डिग्री से डिस्प्लेस हुआ है और 90 डिग्री से ही रोटेट हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको गिवन है ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो अगली बार आपका यहाँ पे जाएगा और इससे अगली बार यहाँ पे, ये आपका 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे, इससे अगली बार यहाँ है और इससे अगली बार यहाँ आएगा, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट फिगर जो ये पेंटागन दे रखा है, तो पेंटागन को क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री से कर रहे हैं और 180 से फ्लिप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका यहाँ आएगा और ऐसा होगा, अगली बार आपका 180 यहाँ से आपका यहाँ आया 90 डिग्री तो यहाँ आएगा और फ्लिप पूरा होगा, तो इस तरीके से अगली बार यहाँ जाएगा लेकिन फ्लिप होगा, तो ऐसे। नेक्स्ट फिगर देखो, ट्रायंगल, ट्रायंगल यहाँ दे रखा है आपका, ट्रायंगल में कोई फ्लिप नहीं है, बस 90 डिग्री से उसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एरो जो है, एरो को भी 90 डिग्री से मूव कर रहे हैं और फ्लिप कर रहे हैं 180 से, तो यहाँ आएगा फिर आपका यहाँ आएगा फिर आपका यहाँ आएगा, तो यहाँ कैसे आएगा, नीचे की तरफ, यहाँ फिर से ऊपर की तरफ और अगेन यहाँ पे आपका
नीचे की तरफ ये बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला किस ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट में नहीं है, ठीक है, सर्कल गलत है फर्स्ट में, सेकंड में आपका एरो ऊपर है, थर्ड में सारी चीजें आपकी सेम है, तो थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि चार पेयर दे रखे हैं नंबर की, ओड निकालनी है, ठीक है भाई, ओड निकालनी है। तो आपसे सबसे पहले कह रहा है 10:123, 17:290, 14:227, 11:146। तो ठीक है, यहाँ पे आप देखो ना स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना, उसके आसपास है, तो यहाँ पे क्या करो आप देखो मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कि 10 को मैक्सिमम कितने से मल्टीप्लाई करूँ मैं कि यहाँ पे इसके पास पहुँच जाए, तो इंटू 12 और फिर प्लस 3। यहाँ पे 17 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ मैं, ठीक है, देखो आप 170 10 से करोगे तो, और उसके बाद 5 से करोगे तो आपका 85, 255, 272 और फिर 289, 17 का स्क्वायर ही हो जाएगा आपका, ठीक है, कितना हो जाएगा 289 प्लस 1। यहाँ पे देखो 14 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 16 से और उसमें 3 ऐड कर देते हो तो 227, ठीक है, 11 को आप मल्टीप्लाई करो 13 से और उसमें प्लस 3 कर दो तो 146। तो यहाँ पे देखो 11 था तो 13 से दो ज़्यादा, 14 था तो 16 से दो ज़्यादा, 10 था तो 12 से दो ज़्यादा और प्लस 3, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, वो इन जैसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर सेट शेयर सेम रिलेशनशिप एज शेयर्ड बाय गिवन नंबर। तो आपको एक नंबर दे रखा है 17:24:45, ठीक है, तो नंबर पास पास है, तो पहले आप एडिशन वगैरह जो डिफरेंस है वो लगा के देखो, तो इसमें डिफरेंस कितने का है 7 का, इसमें डिफरेंस कितने का आपका 5, 6, 11, 21। तो देखो किसी और में 7 और 21 का डिफरेंस है, फर्स्ट में आपका 5 का है, सेकंड में 7 का है लेकिन आगे आपका 8 का है, उसमें नेक्स्ट में 5 का, नेक्स्ट में 7 का है और फिर 21 का है। तो देखो 12 + 7 = 19 प्लस आपका 21 कितना होगा 40, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला, तो आपको पता है पढ़ते पढ़ते साथ साथ ड्रॉ करना है। ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, उसके बाद कह रहा है नो डांसर इज अ प्लम्बर, तो कोई भी डांसर जो है प्लम्बर नहीं है, तो प्लम्बर अलग हो गए। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है नो प्लम्बर इज अ सिंगर, नो प्लम्बर इज अ सिंगर, सही बात है, दोनों अलग अलग है तो पहला सही है। दूसरा सम सिंगर्स आर प्लम्बर, कुछ सिंगर प्लम्बर है नहीं, क्योंकि सारे सिंगर डांसर और कोई भी डांसर प्लम्बर नहीं है, तो कोई सिंगर प्लम्बर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है सम डांसर्स आर सिंगर्स, कुछ डांसर सिंगर है, हाँ जब सारे ही सिंगर डांसर हैं तो कुछ डांसर सिंगर भी तो होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन आपका राइट है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ओनली कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोज, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सेलेक्ट द नंबर डेट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज, एक सीरीज दे रखी है 1537, 1539, 1543, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि एडिशन हो रहा है, प्लस 2, प्लस 4, प्लस 6 करोगे तो 1549, अब प्लस 8 करोगे तो क्या नेक्स्ट नंबर आ रहा है 1557, हाँ आपकी यही सीरीज लग रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1549, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 वर्ड्स हैव बी गिवन, ठीक है, 3 एक जैसे हैं, 1 डिफरेंट है, तो ओड बताना। तो 4 आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, हैदराबाद, औरंगाबाद, चेन्नई और गैंगटॉक, तो ये क्या आपके सिटीज के नाम है। तो सबसे पहले देखो अलग क्या है इनमें, ये इनमें से कोई 3 ऐसी भी नहीं है जो एक ही स्टेट में आती हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो
हैदराबाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, उसके बाद औरंगाबाद नहीं है किसी की, चेन्नई आपकी तमिलनाडु की कैपिटल है, गैंगटॉक सिक्किम की है, तो अलग क्या हो गया, औरंगाबाद बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलो सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर डेट कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। आपको अल्फाबेट की सीरीज दे रखी है, ठीक है, क्या क्या है, डी ए जी, एफ सी आई, क्वेश्चन मार्क, जे जी एम और एल आई ओ। तो यहाँ पे आप क्या करो, सीधा इनके नंबरिंग कर दो, 4 1 7 6 3 9, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, 10 7 13, और यहाँ पे 12 9 और 15। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 2 3 7 प्लस 2 9, 2 2 ऐड हो रहा है, तो 6 को ऐड करोगे 8 5 और 11, क्या क्या है, एच ई के 11 के, एच ई के, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर, ठीक है, फटाफट भाई बस 5 क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 वीट इज रिलेटेड टू ब्रेड इन द सेम वे शुगर केन इज रिलेटेड टू, वीट ब्रेड से रिलेटेड है, कैसे, ब्रेड किससे बनती है, वीट से बनती है, तो ऐसे शुगर केन से क्या बनता है, पहला ऑप्शन है जैगरी, मियोनीज, ग्रास, केचप, मियोनीज, मोमोज खाते हो तो क्या वो शुगर केन से बनी होती है, नहीं, ठीक है, ग्रास, ग्रास का शुगर केन से क्या काम, तो उसके बाद केचप, केचप भी जो है आपका जो है अलग अलग बनते, शुगर केन से नहीं बनता, टमाटो वगैरह या विनेगर इनका यूज करके, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट जैगरी, जिसका मतलब क्या होता है, गुड़, गुड़ किससे बनता है, गन्ने से, शुगर केन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन, 3 1 जैसे ओड निकालना है, तो सीधा आप क्या करो, लिख लो एफ जी एल, ए बी एफ, आई जे एन और आपका एम एन आर। तो मैंने बता रखा है कि जहां अल्फाबेट देखे नंबरिंग कर लो, 6 7 और आपका 12 1 2 6, यहाँ पे 9 10 और 14, यहाँ पे 13 14 और 18। यहाँ पे देखो 6 7 प्लस 5, ठीक है, 1 2 प्लस 4, 9 10 प्लस 4, 13 14 प्लस 4, तो साफ साफ दिख रहा है अलग क्या आपका, पहले वाला एफ जी एल, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन एफ जी एल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, सेलेक्ट द लेटर डेट कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, सीरीज दे रखी है ए ई जे क्वेश्चन मार्क डब्ल्यू, तो नंबर भी लिख सकते हो आप ए ई जे, बता रखा है मैंने, इजी हो जाएगी बहुत अगर आप इनकी क्या करते हो, नंबरिंग कर लेते हो तो, ठीक है। 23, अब देखो यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे आपका 5 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 6 ऐड कर दूँ तो 16, 7 ऐड कर दूँ तो 23, तो 16 आ जाएगा, जो कि किसका होता है आपका, पी का, तो यहाँ पे पी ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डाइस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बता रखे हैं डाइस वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि अपोजिट क्या आएगा इक्वल टू के, तो आपको एक दो डाइस ऐसी पकड़नी है, ठीक है, पहली जिसके अंदर इक्वल टू आ रखा हो तो जो आपकी थर्ड डाइस है, और एक ऐसी जिसके अंदर जो सेम कोई और जो है आपका दे रखा हो, जैसे इसमें थर्ड वाली में परसेंटेज, उसके बाद प्लस और इक्वल टू, तो आप देखो परसेंटेज और प्लस किसी और में है, तो आपका थर्ड वाली में परसेंटेज है, तो उसी को आप होल्ड कर लो, तो आपने परसेंटेज को पकड़ा सेकंड फिगर में, सेकंड डाइस में, तो क्लॉकवाइज चलो, परसेंटेज डॉलर फिर आपका स्टार, तो अब आ जाओ थर्ड वाली में, परसेंटेज को पकड़ो क्लॉकवाइज चलो, इक्वल टू प्लस, ये क्या है, अपोजिट है आपके, तो इक्वल टू के अपोजिट क्या है, डॉलर, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ठीक है भाई। अब देखो लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो क्या है भाई, आपको एक डायग्राम दे रखा है, मिसिंग वर्ड क्वेश्चन मार्क बताना है आपको, ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है यहाँ पे डायग्राम ऐसे, तो सबसे पहले आपका 4, फिर है 10, फिर 20, फिर 34, 52 क्वेश्चन मार्क, 100 और 130। यहाँ पे देखो आपके नंबर क्या है, ठीक है, ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है, ये आपके क्या हो रहा है, एडिशन वगैरह लगा के देखो, तो यहाँ पे आप कर रहे हो +6, यहाँ पे कर रहे हो +10, यहाँ पे आप कर रहे हो +14, तो एडिशन में डिफरेंस आ रहा है 4 4 का,
तो यहाँ पे आगे क्या 18 ऐड हो रहा है, हाँ उससे आगे 22 ऐड होगा, तो 22 ऐड करोगे तो 52 प्लस 22 74, आगे आपका 26 ऐड होगा 100 सही आ रहा है, आगे 30 ऐड होगा 130 सही है, 74 आंसर जो कि दे रखा ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। ठीक है भाई, तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आप ये प्रैक्टिस करोगे ना तो इससे इजी ही आपको दिल्ली पुलिस में देखने को मिलेगा, और बता दूं ये आपका CGL 2019 के ही क्वेश्चन है, तो आपके इसी पैटर्न में पूछे जाएंगे, लेटेस्ट TCS पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आगे मिलते हैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट में, बताना कि आपको कौन से जो है क्वेश्चन टफ लगे या कैसा लगा प्रैक्टिस सेट, ये बताना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।